आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोसा की रेसिपी, जिसे आज हम गेहूं के आटे से बना करके तैयार करेंगे। हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम दाल को भिगोकर पीसकर डोसा बना सके, आप इंस्टेंटली आटे से डोसा बना करके तैयार कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आटा डोसा कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आटा डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बॉल में 1.5 कप आटा। इसमें हम मिला देंगे 1/4 कप सूजी, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही। ये नॉर्मल दही है, न ज़्यादा खट्टा है न ज़्यादा मीठा है। साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून घी। हमें घी का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। हमें 1.5 कप आटे के लिए 1.5 कप पानी का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले मैंने 1 कप डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। बाकी का 1/2 कप हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से एक बार हमने 1 कप पानी को मिक्स कर लिया। अब 1/2 कप पानी इसमें हम और ऐड कर देंगे और एक स्मूथ बैटर बना करके हम तैयार कर लेंगे। हमें बैटर में कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं चाहिए। आप देख सकते हो एक स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको चम्मच की मदद से बैटर की कंसिस्टेंसी भी बता देती हूँ। कुछ इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम डोसे के लिए एक आलू की फिलिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ राई, साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही मैं डाल रही हूँ जरा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब इसमें हम डालेंगे कुछ करी पत्ता। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच विनेगर। विनेगर डालने से प्याज का कलर काफ़ी अच्छा आता है। इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप देख सकते हो प्याज हमारा भून चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देंगे जरा सी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू, जिनको मैंने टुकड़ों में कुछ इस तरह से तोड़ के रखा था। इसे हम ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। आप मसाला अपने हिसाब से, अपने वेरिएशन के हिसाब से बना सकते हो। मैं आज एकदम बेसिक मसाला बना करके तैयार कर रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भूनकर तैयार है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। डोसे के लिए आलू की फिलिंग हमारी बनकर तैयार है। इसे हम किसी बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और हम चलते हैं अब डोसा बनाने की तरफ। लगभग 10 मिनट बाद हम डोसा बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने डोसा तवा को गर्म कर लिया। 1 सर्विंग स्पून भर के हमने बैटर लिया और जिस तरह से हम नॉर्मल डोसा को स्प्रेड करते हैं, ठीक उसी तरह हमें इस डोसे के बैटर को भी स्प्रेड करना है। हमने बैटर को स्प्रेड कर लिया। गैस की आंच हम तेज रखेंगे। मेरा डोसा तवा थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें डोसे काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं, तो मैं इसी तवे का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ घी। आप घी का ही इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल ना करें। घी से आटे डोसे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप देख सकते हो डोसा हमारा सिकना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए डोसा हमारा अच्छे से सिककर तैयार है। कोई नहीं कहेगा कि ये डोसा हमने आटे से इंस्टेंटली बना करके तैयार किया है। ये देखिए आप, एकदम क्रिस्पी डोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के डोसे भी बना करके तैयार कर लेंगे। आटा डोसा को हमने आलू की फिलिंग और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर लिया है। नारियल की चटनी को कैसे बनाते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आटा डोसा हमारा
सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आटा डोसा बनाते वक्त हमें बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि बैटर को हमें 10 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं करवाना होता है सोडा डालने के बाद। बस इसी बात का हमें ध्यान रखते हुए आटा डोसा बना करके तैयार करना होता है। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ये जो सामने 3 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से ऑल को सिलेक्ट करें।